नमस्कार, आज हम एक काफी पॉपुलर माउस का रिव्यू करने वाले हैं, विच इज ड्रैगनवॉर ईएलई G9। ये माउस कोई न्यूली लॉन्च नहीं है, बल्कि 2017 में ये लॉन्च हुआ है, अमेजोन पर अवेलेबल है, काफी लोगों ने इसे परचेस किया और काफी हाई रेटिंग इस माउस को प्राप्त हुई है। तो भाई, आज के इस वीडियो में हम इस माउस का लॉन्ग टर्म रिव्यू करने वाले हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और जानेंगे कि भाई क्या ये माउस 2022 में इतना वर्थ इट है या नहीं। और हाँ, एक और इसमें स्पेशल फीचर है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल शुरू करते हैं माउस की अनबॉक्सिंग से। बॉक्स साइज में थोड़ा बड़ा है। बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले हमें यहाँ माउस पैड मिल जाता है, फिर माउस इटसेल्फ एंड देन मैनुअल एंड ड्राइवर सीडी दी गई है। वैसे इस सीडी का कोई फायदा नहीं, आजकल कोई यूज भी नहीं करता। खैर, बात करें माउस के फर्स्ट इम्प्रेशन की, तो माउस को हाथ में पकड़ते ही माउस थोड़ा सा बड़ा लगा मुझे, एंड ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी वॉज गुड। लॉन्ग इनफ ब्रेडेड केबल भी है, सो दैट्स एन गुड एड ऑन। वहीं माउस के साथ आने वाले फ्री के मैट की बात करें, तो छोटे साइज का मैट है, क्वालिटी वॉज ओके, स्टिकी है तो टेबल पे फिसलेगा नहीं, ओवरऑल फ्री के माल जैसा ही है, ठीक है। नाउ बैक टू द माउस। बात करें माउस डिजाइन की, तो राइट हैंडेड यूजर के लिए ये डिजाइन किया गया है। ऑफ कोर्स साइज में थोड़ा बड़ा है, अगर आपके छोटे हैंड्स हैं तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ओवरऑल फॉर मी, मेरे हाथों में कंफर्टेबली फिट हो जाता है। साइड में रबराइज ग्रिप भी है, तो लॉन्ग सेशंस में कोई दिक्कत भी नहीं आती। माउस वेट में एवरेज है करीब 104 ग्राम्स का, सो ज्यादा हैवी नहीं लगा मुझे अकॉर्डिंग टू इट्स साइज। ऑलराइट, अब क्योंकि ये गेमिंग माउस है, वी हैव 7 बटन्स ऑन इट, बेसिक लेफ्ट राइट स्क्रोल व्हील DPI साइड कीज एंड रैपिड फायर की। यस, रैपिड फायर की इस माउस पर मिल जाती है, विच मीन्स कि कई गेम्स में बस्ट फायर वाली गन्स को काइंड ऑफ फुल ऑटो पर हम शूट कर पाएंगे। बट कीप इन माइंड कि ये माउस की रैपिड फायर की सभी गेम्स पर नहीं चलती है, ठीक है। रही बात माउस DPI एंड सेंसर की, तो माउस पर डेडिकेटेड DPI साइकिल का बटन दे रखा है, जिस पर 800, 1600, 2400 एंड 3200 के DPI मोड साइकिल कर सकते हैं। एंड वहीं सेंसर की कोई डिटेल्स मेंशन नहीं की है, मतलब जेनरिक सेंसर हो सकता है। वैसे अप टू 1000 Hz की पोलिंग रेट सपोर्ट करता है, जिसे हम सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर की बात उठा ही ली है, तो एक क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं अपने सॉफ्टवेयर का। प्लस सॉफ्टवेयर का डायरेक्ट डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप चाहते हैं तो वहां से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, मेन कंट्रोल्स में यहां आप सभी 9 कीज को फुली कस्टमाइज कर सकते हैं। साइड में RGB कंट्रोल का भी ऑप्शन दिया गया है, ऑल्दो RGB फुली कस्टमाइजेबल नहीं है, सिलेक्टेड कलर और सिर्फ 2 ही RGB इफेक्ट्स दिए गए हैं। ओवरऑल माउस की RGB लुक्स में डिसेंटली लगी मुझे। नेक्स्ट, सिस्टम सेटिंग में सारी बेसिक सी सेटिंग्स, पोलिंग रेट, DPI, सेंस वगैरह मिल जाते हैं, एंड मैक्रो फंक्शन इस माउस नहीं दिया गया है। ओवरऑल मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, तो करीब 1.5-2 महीने से मैं इस माउस को यूज कर रहा हूं। साइज में थोड़ा माउस बिल्कुल बड़ा है, जिसकी वजह से मुझे शुरू में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ, बट देन आई गेट यूज टू विथ इट। ग्रिप्स काफी अच्छी है, रबराइज टेक्सचर्स भी है, तो लॉन्ग गेमिंग सेशंस में कोई दिक्कत भी नहीं आती। एंड वेट इज ऑल्सो एन एवरेज, सो दैट्स नॉट एन इशू, बट द प्रॉब्लम इज कि माउस में कोई अच्छा सेंसर नहीं है। जेनरिक सेंसर है, तो FPS गेम्स में पूर ट्रैकिंग की फील पता चलती है। वैसे इस माउस को परचेस करने का मेरा प्राइमरी रीजन था इसकी रैपिड फायर की फंक्शन। हाँ, अब ये फायर की टेस्टिंग में तो बढ़िया काम करती है, बट सभी गेम्स, स्पेशली PvE गेम्स में ये काम नहीं करती। मैं कहूँगा कि माइनक्राफ्ट वगैरह जैसी गेम्स जिसमें हाई CPS चाहिए, वैसे गेम्स के लिए इस तरह के बजट माउस एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, वरना FPS गेम्स में तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है इस माउस के साथ। इन शॉर्ट, अगर आप एक हार्डकोर FPS गेमर हो तो इस माउस को रहने दो, इसमें उतना मजा नहीं आएगा। एंड वैसे भी इस सेम प्राइस रेंज में बहुत सारे माइस ऑप्शंस अवेलेबल है स्पेशली FPS गेम्स के लिए, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऑल्दो ड्रैगनवॉर G9 भी कोई बुरा माउस नहीं है, बस फर्स्ट पर्सन शूटर में ये इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। एंड यस, माउस में रैपिड फायर की का होना भी एक अलग ही मजा है। अगर आपने अभी तक रैपिड फायर की का स्वाद नहीं लिया और आपको ये माउस थोड़ा पसंद आ रहा है, देन डेफिनेटली इसे आप परचेस कर सकते हो। इस माउस के लिंक्स एंड ड्राइवर्स दोनों ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप बताइए कैसे लगा आपको ये ड्रैगनवॉर G9 गेमिंग माउस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भैया लाइक कर देना, चैनल पर नए हो और इस तरह से पीस रिलेटेड टेक स्टफ में क्यूरियोसिटी रखते हो
तो भैया जरा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो चलिए जी, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद।